नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुलदीप बेनीवाल, आप देख रहे हैं PLB TV में। मैं आया हूं आपके सामने ये चीज़ लेके इस वीडियो के साथ, तो जुड़े रहिए। और आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि मैं कहां पर हूं इस टाइम, तो देखिए कुछ बी रोल्स। मैं हूं इस टाइम साउथ बैंक ब्रिस्बेन में, जो कि मेरे घर से लगभग 15 मिनट दूर है। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हवा भी चल रही है। और उसके बाद में हम आते हैं मुद्दे पे कि इन्फॉर्मेशन क्या है और किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कुलदीप बेनीवाल, आप देख रहे हैं PLB TV। सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि 7 दिन और 7 वीडियोस चैलेंज हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो चलिए चलते हैं मुद्दे की बात पर। आप लोगों को याद ही होगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जब देश को उन्होंने संबोधित किया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया कि हमें खुद से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें दूसरों देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। पर आज मैं कुछ ऐसी जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिनको जानकर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में डिसाइड करें कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उनमें बाहरी चीज़ों का दखल कितना है और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी समझ रहे हैं वो हमारी अपनी कितनी की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडिया आफ्टर कोविड लाइफ, पोस्ट कोविड लाइफ कैसी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ देश के अंदर, उसके बाद में सभी की सभी क्लासेस और मीटिंग्स वगैरह थी वो ऑनलाइन चली गई और उनके लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी गुना ज़्यादा उस ऐप को इंस्टॉल किया गया। उस ऐप का नाम है जूम। जूम ऐप चाइना की आप सभी को पता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी आई थी कि उसमें से डाटा चोरी हो रहा है इस तरह की। तो एक चाइनीज़ बेस्ड ऐप है और उसका प्रयोग काफ़ी हद तक बढ़ गया। इसके अलावा मुझे यह लगता है कि इंडियाज़ इनिशिएटिव ऑफ मेकिंग ए डिजिटल इंडिया इज़ बेस्ड ऑन चाइनाज़ इन्वेस्टमेंट। 2014 से लेकर 2020 तक चाइना ने हमारी कई स्टार्टअप्स में $5 बिलियन तक इन्वेस्ट कर दिया है। $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि 5 अरब से भी ज़्यादा रुपए जो हैं उन्होंने हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिए हैं। और जिन कंपनियों का मैं अभी नाम लेने वाला हूँ उनका नाम सुनकर आप काफ़ी चौंक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उन कंपनी के नाम क्या क्या हैं।
उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर 30 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स का मतलब जिनका टर्नओवर या उनकी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ऊपर हो। हमारे देश में ऐसे 30 कंपनियां हैं और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उन 30 कंपनियों में से 18 कंपनियों में चीन का इन्वेस्टमेंट है। अलीबाबा, टेंसेंट और शिनवई कैपिटल, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने चीन से बहुत बड़े अमाउंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। ये 3 कंपनियां चीन की टॉप टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स हैं। और चौथी कंपनी है ByteDance, और इन्हीं चारों कंपनियों ने भारत पर बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े पैमाने में पैसे इन्वेस्ट किए हैं स्टार्टअप्स में। तो चलिए मैं आपको नाम बताता हूँ। Paytm, बिग बास्केट, डेली हंट, रैपिडो, जोमैटो और स्नैपडील। इन सभी कंपनियों में जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, इन सभी में अलीबाबा कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। और Tencent ने इन्वेस्ट किया है इंडिया की एजुकेशन प्रोवाइडर बिगेस्ट कंपनी जो है, जो स्टार्टअप है ByJuice में, जो शायद मैंने इंडिया की क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी देखा है। ByJuice में चाइनीज़ कंपनी Tencent ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की है। उसके अलावा Tencent ने इन्वेस्ट किया है इन ओला, स्विगी, गाना, शिनमई कैपिटल जो कि Xiaomi की ही इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसने इन्वेस्ट किया है इन सिटी मॉल में, ओयो में, रिक्शा में, रैपिडो में और जस्ट मनी। और इन सभी ऐप्स के बारे में, इन सभी स्टार्टअप्स के बारे में हम ये सोच रहे थे कि सभी की सभी कंपनीज जो हैं डिजिटल इंडिया का मस्कट हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि उनमें किस कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि वहाँ पर हिडन इन्वेस्टर्स होते हैं एंड दे एक्सेस ऑल द डाटा दैट वी हैव इन अवर फोन्स और द सर्विसेज वी यूज बाय देम। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और बड़ी दिक्कत यह है कि हमें पता भी नहीं कि हम जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि वो इंडियन हैं, उनके अंदर भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा चाइना ने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी किया है। चाइना का FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत में, वो शायद 1.6 बिलियन डॉलर्स हैं, पर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। पर चाइना का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है, पर जब हम देखें कि इन्होंने स्टार्टअप्स में, यूनिकॉर्न्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं हमारी कंपनियों, हमारी स्टार्टअप्स में, तो हम ये सोचते थे कि डिजिटल इंडिया जो पूरी तरह से भारत का ही एक इनिशिएटिव है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, कि हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, अपनी सर्विसेज को यूज़ करें, तो उन सर्विसेज को यूज़ करके भी हम कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। इसके बारे में मेरा ओपिनियन है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इन कंपनियों का यूज़ करें, उससे हमारी इकोनॉमी को भी लाभ होगा, क्योंकि पैसा जो है एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा पैसा है, तो वो किसी भी रंग का हो, कहीं से भी आ रहा हो। ये भी हो सकता है कि अमेरिका की कोई कंपनी में इन्वेस्ट करे और वो कंपनी बाद में इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करे, तो एट द एंड द सर्कल ऑफ द मनी इज़ गोइंग टू चाइना, तो वो पैसे तो उनको आ ही रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा कहीं से भी आ रहा है, उससे हमारे देश को लाभ हो रहा है, हमारी जो आर्थिक देश की स्थिति है उसको लाभ हो रहा है, इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो पैसा कहीं से भी आ रहा हो, हम उसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये जो कंपनी के नाम मैंने आपको बताए हैं, उनको हमारे देश की कोई भी कंपनी स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स शुरू के 4 या 5 साल लॉस में जाते हैं, और हमारे देश की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो इनको सपोर्ट कर सके। इतना ज़्यादा 5 साल तक सपोर्ट करने वाली कोई भी फर्म मुझे नज़र नहीं आती इन आवर कंट्री। या तो हम इन कंपनी को जाते हुए देखें, या हम इन प्रोडक्ट्स को और इन कंपनी की सर्विसेज को यूज़ करें, इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो गाइस, अंधेरा हो चुका है, और यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आज आपको देनी थी। तो इस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।